गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो एक हम लोग एक आउटिंग पे आए हैं, चारों माँ बाप बेटा बेटी ऐसे घूम रहे हैं। पता नहीं, हमको पता ही नहीं है, ये जो देख रहे हैं ना नदी, नदी के उस पार हमारा घर है, वो जो घर दिख रहा है ना। और हम लोग आए हैं इसी बोट से, इस पर आए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा लाइव कर लूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और थोड़ा लाइव शुरू कर दूँ मैं। ठीक है, ओके। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता फैमिली। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है संडे, संडे को मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल है मंडे, मंडे को है रक्षाबंधन, तो उसी के लिए मैं बनाने वाली हूँ आज शाही टुकड़ा। तो चलिए शाही टुकड़ा रेसिपी देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी दूध को उबालने के लिए रख दी हूँ। चलिए बनाते हैं आज राखी स्पेशल डिश शाही टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे ना मैं 1 लीटर दूध ली हूँ और आप देख सकते हैं दूध उबल रहा है। इसको मैं उबाल के रबड़ी बनाऊँगी। ठीक है, उसका फ्लेवर के लिए मैं इलायची, 2-3 इलायची को क्रश करके डाल दूँगी। तो चलिए पहले हम बनाएंगे रबड़ी, उसके बाद बनाएंगे शाही टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे जो राबड़ी है बनके तैयार हो चुका है। हम एकदम लच्छे वाला मज़ेदार राबड़ी बनाए हैं। ऐसा ही अब बनाइएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका जो मलाई है ना, वो साइड साइड पे मैं लगा दी हूँ ताकि वो ना लच्छेदार बने, अच्छा बने। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर और यहाँ पर ना मैं 3 पैकेट शुगर फ्री का डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप चीनी डालना चाहते हो ना, तो 3 से 4 टेबल स्पून चीनी डाल सकते हैं, तो उसमें ना रबड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मीठा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 3 पैकेट शुगर फ्री का डाली हूँ, तो उसमें भी अच्छा हमारा मीठा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं साइड साइड सारे जो मलाई को निकाल ली हूँ और अभी हमारा रबड़ी जो तैयार है, इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। ठंडा होने के बाद ना रबड़ी हमारा अच्छा बन जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं हम, 4 से 5 ब्रेड स्लाइस कर लिए हैं और उसका जो एजेस है उसको हम कट कर लेंगे और उसका ना बीच में हम ट्रायंगल शेप में काट लेते हैं। तो चलिए ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्रेड है साइड हम काट लिए हैं और उसको ऐसे शेप दे रहे हैं ट्रायंगल का। और यहाँ पर ना हम ब्रेड को सेकेंगे, उसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। उसको ना देसी घी में हम उसको तल रहे हैं, सेलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो ना तो ज़्यादा घी गरम करके उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उसमें ना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इस तरह सेलो फ्राई भी कर सकते हो। मैं देसी घी लेकर ना उसको अच्छे से सेलो फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर और उसको अच्छे से एकदम क्रिस्पी बना लूँगी ताकि जो टेस्ट बहुत अच्छा है। और हाँ, देसी घी में आप बनाओ ना, उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और तेल में भी आप बना सकते हो लेकिन उतना अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल की हूँ। और उसको ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ब्रेड हमारा अच्छे से एकदम गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं। बाकी का ब्रेड भी ऐसे ही हम गोल्डन और क्रिस्पी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा सारा ब्रेड तैयार हो चुका है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ब्रेड भी हमारा ठंडा हो चुका है और रबड़ी भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। दोनों ब्रेड हमारा अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है। उसको हम एक ले लिए हैं बाउल और उसमें थोड़ा सा सजा दे रहे हैं और उसमें डाल देंगे हमारे ठंडे ठंडे रबड़ी। तो यहाँ पे चलिए जल्दी से हम डेकोरेट कर लेते हैं हमारे शाही टुकड़ा को। कैसे भी आप रख सकते हैं, मैं जैसे मेरा जैसे भी मन हुआ वैसे ही ब्रेड को रख दे रही हूँ और यहाँ पर डाल रही हूँ ठंडे ठंडे रबड़ी। अब देख सकते हैं रबड़ी हमारा कितना ज़्यादा गाढ़ा और लच्छेदार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी होता है ना कुछ अलग सा टेस्टी सा खाने का मन हो तो ये बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाता है। और हाँ, रबड़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, कुछ भी बनाओ आप थोड़ा सा पेशेंस तो लगता ही है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रबड़ी है ब्रेड के ऊपर अच्छे से डूब गया है, कितना अच्छा डिलीशियस दिख रहा है। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिस्ता डाल के उसको सजा दे रही हूँ। पिस्ता डाल के ना उसका टेस्ट इसके साथ और भी अच्छा आता है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। एक छोटे से प्लेट में मैं ले रही हूँ अपने ब्रेड और उसके ऊपर थोड़ा सा रबड़ी डाल दे रही हूँ और आप टेस्ट कीजिए। अब तो दे नहीं सकती तो आप ऐसे ही घर पे बनाइए, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो चलिए बच्चे लोग अभी अपना जो राखी बांध रहे हैं, मैं तो नहीं बांध पाई, मेरे भाई को बाहर हूँ, तो बेटा बेटी दोनों बांध रहे हैं। किस तरह हम राखी पूर्णिमा एंजॉय किए वो आप थोड़ा देख लीजिए। आप किस तरह मनाए आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन उस दिन तो बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम बांध नहीं पाए, हस्बैंड को भी कोई बांधा नहीं। तो कोई बात नहीं, क्या ऐसे सिचुएशन भी ऐसा है कि हम लोग बाहर भी नहीं जा सके, मतलब घर भी नहीं जा सके, बाहर जाने लायक तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, यही लाइफ है ना। तो बस वीडियो एंजॉय कीजिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक एक लाइक ना मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट करता है हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अगर अब मेरा चैनल का आप नया देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों कितना सुंदर से राखी बांध रहे हैं एक दूसरे को। तो चलिए बस एंजॉय कीजिए वीडियो को, एंड में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निवेदिता फैमिली। कैसे हैं आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज है स्पेशल रक्षाबंधन ब्लॉग, ठीक है। आज है मंडे, जैसे कि आपने देख लिया मैं सुबह का ब्रेकफास्ट सारे बना ली। हमारा जो रक्षाबंधन का सारा जो काम था सब खत्म हो गया, राखी वाखी बांधना सब खत्म हो गया। सेटा काटता होगा ना, आप घर पे बनाइए शाही टुकड़ा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इजी है बहुत ज़्यादा। और हम बनाए हैं शुगर फ्री डाल के बनाए हैं, तो ज़्यादा कैलोरीज का डर नहीं है, अब मोटा होने का कोई डर नहीं है। और टीवी चल रहा है, टीवी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। और अब मैं सलाद बनाऊंगी, अभी खीरा पकड़ के सलाद काट लेती हूँ। तो चलिए लंच के बाद आपसे बात करती हूँ और वीडियो को भी तभी एंड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो क्या करना, जी हाँ सब्सक्राइब करना है। तब तक रहती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।